हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोग को बताएंगे कि डायबिटीज़ के मरीज साबूदाना खा सकते हैं कि नहीं। डायबिटीज़ जैसे तो एक गंभीर बीमारी है, लेकिन क्या है कि डायबिटीज़ के मरीजों को अपने खान पान पर बहुत ही खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों को अपने डाइट में हल्का भी चूक उन्हें बहुत ही महंगा पड़ सकता है। डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों को ऐसी चीज़ों का सेवन करने की सलाह दी जाती है जिससे कि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रह सके। ऐसे में क्या साबूदाना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ में साबूदाना खाना चाहिए या कि नहीं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फिर चलिए अब मैं आगे चलती हूँ। साबूदानों को एक हेल्दी फूड माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और कैल्शियम पाया जाता है। इसका सेवन करने से शरीर को एनर्जी मिलती है। साबूदाना सेहत को कई तरह के फ़ायदे भी पहुंचाता है। साबूदाना का सेवन करने से पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याएं जैसे कि कब्ज से निजात पाया जाता है। साथ ही इसके सेवन से वज़न को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों को वज़न कंट्रोल में रखने की बहुत ही ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुड़ों का खजाना होने के बावजूद भी डायबिटीज़ के मरीजों को इसका ज़्यादा सेवन करने से बचने की सलाह दी जाती है। दरअसल साबूदाने में टेपियोका रूट से निकलने वाले स्टार्च को प्रोटेस करके इसे छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट्स बॉल्स के रूप में बनाया जाता है, जिसे साबूदाना कहते हैं। इसमें स्टार्च होने की वजह से इसे डायबिटीज़ के मरीज को सेवन ना करने की सलाह दी जाती है। स्टार्च वाले फूड्स डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही हानिकारक माने जाते हैं। वहीं साबूदाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अधिक होता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। ऐसे में डायबिटीज़ के मरीजों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए। बता दें कि डायबिटीज़ के मरीजों को उन फूड्स का सेवन करना चाहिए जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम हो। तो ये थी आज की जानकारी। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।